हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। हॉलीवुड अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखने के साथ ही अपने दिल में भी इस देश को खास स्थान दे रखा है। उनका कहना है कि भारत में शूटिंग करने का उनका अनुभव डरावना लेकिन मजेदार रहा। उन्होंने बताया कि शूटिंग करने के दौरान उन्हें रॉकस्टार जैसी अनुभूति हुई। हेम्सवर्थ बीते साल अपनी नेटफ्लिक्स परियोजना ढाका की शूटिंग के लिए भारत आए थे। इस परियोजना की शूटिंग अहमदाबाद और मुंबई में की गई। हेम्सवर्थ ने OANS साक्षात्कार के दौरान इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया क्यों रखा। सोनी पिक्चर्स की परियोजना मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल के प्रमोशन के दौरान सामूहिक साक्षात्कार में हेम्सवर्थ ने बताया, मेरी पत्नी एल्सा ने भारत में काफी वक्त गुजारा है और इंडिया नाम रखने की मुख्य वजह यही थी। इस देश के प्रति अपने लगाव के बारे में थॉर ने बताया, मुझे यहाँ के लोग और ये जगह काफी पसंद आई। हर दिन शूटिंग के दौरान हजारों लोग रास्ते पर खड़े रहते थे। सेट पर मुझे ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। अभिनेता ने आगे कहा, निर्देशक के हर कट के बाद स्टेडियम में प्रशंसक जोर से जयकारे लगाते थे जिसमें हमें रॉकस्टार वाली अनुभूति होती थी। जिस गर्मजोशी से हमें समर्थन मिलता था वह वाकई काफी अच्छा था। लोग बहुत सकारात्मक थे। वहीं मैन इन ब्लैक की अगली फ्रेंचाइजी मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल में काम करने को लेकर वह काफी उत्साहित हैं। सोनी पिक्चर्स भारत में यह फिल्म 14 जून को हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में रिलीज करेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।